हेलो दोस्तों, आज हम जीके का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। 1857 से विद्रोह से रिलेटेड थे। 1857 के जितनी भी क्वेश्चन है वो आज हम सब इस लेसन में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करें। एक भी क्वेश्चन 1857 के विद्रोह से इधर से उधर नहीं होगा, पूरे क्वेश्चन इसमें हम ऐड कर चुके हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से चालू हुआ था, आरम्भ हुआ था? तो वो है मेरठ से 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो वो था चर्बी वाला कारतूस का उपयोग करना, इसका तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट, और पहला भारतीय सिपाही कौन था जिन्होंने चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? वो था मंगल पांडे ने इनकार कर दिया था। चौथा है, मंगल पांडे जिन्होंने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? बेगम हजरत महल वो लखनऊ से किया था नेतृत्व। छठा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? होता लॉर्ड कैनिंग था। 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। सातवां है, 1857 का विद्रोह में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? वो था मंगल पांडे ने अपना सबसे पहले बलिदान दिया था। तो चलिए नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में किया था ताप्ता टोपे, सैनिक का विद्रोह यानी सैन्य विद्रोह ताप्ता टोपे ने किया था। नौवां है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था, वो था हिंदू मुसलमान एकता। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? वो था मनिक निरका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मनिक निरका। चलिए नेक्स्ट है, भारत के शिक्षित माध्यम वर्ग ने, इसका आंसर ये हो जाएगा सी हो जाएगा, 1857 के क्रांति में तटस्थ रहे। भारत के शिक्षित माध्यम वर्ग ने 1857 के क्रांति में तटस्थ रहे। 12 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा सही है कौन सा गलत है इसको देखना है। तो पहला है, मंगल पांडे वैकरपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेक्ट्री का एक सिपाही था, यह सही बात है, वो 34वीं नेटिव इन्फेक्ट्री का सिपाही था। दूसरा है, भारत का पहला भारतीय सिपाही था जिन्होंने इनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, ये भी सही है। तीसरा है, मंगल पांडे ने 19 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर विजेंस की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी, ये भी सही था। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी, ये भी सही था। इनमें से सभी सही है। चलिए नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? वो था लॉर्ड पामर्स्टन था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, इसमें कूट मिलान करना है, विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोह का नेता। तो चलिए पहला है मेरठ, मेरठ हो जाएगा कदम सिंह, मेरठ में किया था कदम सिंह। दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय। और हरियाणा का नेतृत्व किया था राव तुलाराम। और बरेली का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान है, इसका आंसर इस तरह का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 1857 में अंग्रेजी सम्राज के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो पंजाब में किया था नामधारी सिखों ने। 1857 के अंग्रेज सम्राट के विरुद्ध पंजाब में किया था नामधारी सिखों ने। दसवां है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 9 मई 1858 को, इसकी मृत्यु हो गई थी कुंवर सिंह को 9 मई 1858 को, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो चर्बी वाला कारतूस शामिल किया था जनवरी 1857 को 1857 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद
भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, वह पीलयोग पीलयोग संबंधित था 1857 के विद्रोह के। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये हो जाएगा सी मिर्जा गालिब ने 1857 को देखा था। 20 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका आंसर ये हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। नेक्स्ट, जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह थे। चलिए नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। चलिए नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह मुख्य किस कारण से असफल हो गया? तो ये असफल हो गया था किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। किसी समान योजना था उतना योजना नहीं बनाया था और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसलिए असफल हो गया। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक संयंत्र की संज्ञा दी थी? ये अंग्रेज दिया था, जेम्स ऑल्ड्रम और डब्ल्यू टेलर ने संयंत्र की संज्ञा दी थी। 25 नंबर है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो ये साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया था, और कृषक और खेतियार मजदूर ने भाग लिया था। साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया था 1857 के विद्रोह में, और खेतियार मजदूर कृषक ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने थे जो इलाहाबाद के मुख्य आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 27 नंबर, गढ़कड़ी विद्रोह का केंद्र था वो कोल्हापुर था, महाराष्ट्र जो है गढ़कड़ी विद्रोह जो 1844 का केंद्र था वो कोल्हापुर था। चलिए नेक्स्ट, 1857 के बरेली के विद्रोह के नेता थे खान बहादुर। खान बहादुर बरेली के विद्रोह का नेता थे। नेक्स्ट, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, बाकी तात्या टोपे ने भाग लिया था, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने, लक्ष्मीबाई ने, भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेज से संघर्ष किया था? तो शहादत खान ने अंग्रेज के साथ संघर्ष किया था। नेक्स्ट, भारत में प्रथम स्वतंत्र संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था? इसका आंसर बी हो जाएगा अंग्रेज का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट, 1857 में भारत में हुए विद्रोह का नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुराम थे तात्या टोपे का मूल नाम। चलिए नेक्स्ट, इन कथनों पर विचार कीजिए। तो 1857 की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, ये सही है। दूसरा है, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा गया, ये भी सही है। इसका आंसर सी जगह 1-2 सही है। नेक्स्ट, 34 नंबर, किस इतिहासकार ने लिखा, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्र संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्र संग्राम था? ये आरसी मजुमदार ने लिखा था, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्र संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्र संग्राम था, आरसी मजुमदार। 35 नंबर है, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था, तो 10 मई 1857 में मेरठ में विद्रोह हुआ था, उसको याद रख। नेक्स्ट, 1857 के संसायिक इतिहासकार है, ये सभी है, 1, 2, 3, 4 सभी। मुंशी जीवन लाल थे, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद खान, अमोई दीन थे। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अपने मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे को अंग्रेज द्वारा मारा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? इसका मतलब कौन सा क्षेत्र में 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था? चित्तौड़ में, झांसी में हुआ था, जगदीशपुर लखनऊ में हुआ था, चित्तौड़ में नहीं हुआ था। नेक्स्ट, कथन और कारण है। कथन बोल रहा है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का आधारभूत कमजोरी उसकी सीमित सामाजिक आधार था, ये सही है।
कारण है या इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, यह गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा, एक सही परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से यह एक घटना है, किससे संबंधित है? तो 1857 के बिल्लव से यानी विद्रोह से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है, क्षेत्र दिया है और नेतृत्व, तो ग्वालियर और कालपी में थे ये ताप्ता टोपे, इलाहाबाद बनारस के नेतृत्व किए थे लियाकत अली, और फैज़ाबाद में किया था मौलवी अहमदुल्ला, और जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने किया था, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था? तो 12 मई 1857 को घोषित कर दिया था बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट। नेक्स्ट है, ये भी मिलान करना है, क्षेत्र और नेतृत्व, झांसी में नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई, और फतेहपुर में किया था अजमुल्ला खान, और मथुरा में देवी सी, और संबलपुर में सुरेंद्र साई, संबलपुर में सुरेंद्र साई, मथुरा में देवी सी, फतेहपुर में अजमुल्ला, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था, यानी दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था उसको सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो वक्त खान ने इसका सैन्य विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, ये भी है, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है, विद्रोह का स्थान दिया हुआ है, दमन करने ब्रिटिश अधिकारी दिया हुआ है, इधर दिल्ली में के ब्रिटिश अधिकारी थे निकलसन और हडसन ने, कानपुर और लखनऊ के ब्रिटिश अधिकारी थे हैवलॉक और कैम्बेल, झांसी और ग्वालियर के थे हीरोज, इलाहाबाद के ब्रिटिश अधिकारी थे कर्नल नील, इसको अब याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी पे है? तो टेलर एवं विंसन अय्यर को बिहार के जगदीशपुर के विद्रोह के दमन का श्रेय जाता है। 47 नंबर है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो निकल्सन है, इसकी मृत्यु हो गई थी दिल्ली के विद्रोह के दमन में, सैन्य अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी था, यह निकल्सन था। 48 नंबर है, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी के हैवलॉक की मृत्यु हुई? हैवलॉक लखनऊ संबंधित था, तो हैवलॉक दिल्ली में मारा गया था, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो बेंजामिन डिजराइली ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, बेंजामिन डिजराइली। नेक्स्ट है, सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है, 1800 क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्ति विचार और विचारक, सैनिक विद्रोह का विचार किसने दिया था? सर जॉन लॉरेंस ने दिया था, और राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिजराइली, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षडयंत्र टेलर व ऑल्ट्राम, अशांति विद्रोह तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट है, किसने 1857 के बिल्लो को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? थी वीडी सावरकर, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी वीडी सावरकर। 52 नंबर है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया? या एसएन सेन। नेक्स्ट, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो ये कॉल मार्क्स ने किया था, ब्रिटिश शासन उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति, कॉल मार्क्स। नेक्स्ट है, पुस्तक है इधर इधर लेखक है जो 1857 के विद्रोह में लिखा गया था, पहला पुस्तक ये द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये लिखा था कॉल मार्क्स। सेकंड है द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खान। सी है द फर्स्ट
वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर, अर्नेस्ट है 1857, ये लिखा था एस एन सेन ने। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे, ये तीनों किया था, शेख गोरखा, सिख गोरखा और पठान। सिख गोरखा और पठान तीनों ने अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, ये निम्नलिखित में किसने मदद नहीं की, सभी ने मदद किया था लेकिन मेवाड़ के राजा ने इसकी सहायता नहीं किया था, मेवाड़ के राजा, इसको आप याद रखेंगे। अंग्रेजी सरकार 1857 के क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह समय के साथ शहीद हो गए, लेकिन इनमें से कौन सा नेता था जो बाद में इसको फांसी दी गई, ये तात्या टोपे थे। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है तो बहादुर शाह को। नेक्स्ट, 1857 की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और गिरफ्तार किसने किया, कहाँ गिरफ्तार किया और किसने किया, ये हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार कर दिया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया, रंगून में निर्वासित कर दिया था। नेक्स्ट, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 विद्रोह के दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, ये कैंपबेल को जाता है, इसको विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान है जहां 1857 के विद्रोह से अछूता रह जाए, यानी उसका 1857 का विद्रोह वहां नहीं हुआ था, ये था मद्रास, बाकी ये पूर्वी पंजाब में हुआ था, मध्य प्रदेश में अवध में हुआ था। नेक्स्ट, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है, यह लक्ष्मीबाई को किया था। तो इस तरह से आ जाता है क्वेश्चन कि लक्ष्मीबाई को किसने कहा था भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली महिला है, अकेली मर्द है, तो ये हीरोज ने कहा था, अकेली मर्द है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का चिन्ह निम्नलिखित में से क्या निश्चित किया गया था, यह कमल और चपाती इसका चिन्ह था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में कौन कौन से नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए और उनकी मृत्यु हो गई, नाना साहब है, अब बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां, तीनों ने ये नेपाल भाग गया और उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज के साथ मिलकर संयंत्र रचने का आरोप लगाया था, ये था जीनत महल। कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर संयंत्र रचने का आरोप लगाया है जीनत महल। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब कही, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश ताज को नियंत्रण में लेने की घोषणा की। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों में चयन किया था, गोरखा और सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत में चयन किया था सिपाही को। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, यह था जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, असन हेनरी लॉरेंस ने। नेक्स्ट, आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, यह वी डी सावरकर ने 1857 विद्रोह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। चलिए, नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, पहला है इस विद्रोह के हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूर्व हिदोर से समर्थन किया गया, शिक्षित किया था, लेकिन केवल शिक्षित ही नहीं थे, इसमें अनपढ़ सभी थे जिसने सहायता किया था, इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, बाकी बी में है,
विद्रोह में भाग लेने वाले विभिन्न तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के विरुद्ध एकजुट हो गए हैं। ये सही है, सी में है, विद्रोह ने में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया, ये भी सही है। डी का है, विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला, ये भी सही है, दक्षिण भारत में नहीं फैला था, लेकिन ए गलत है जिसमें लिखा हुआ है इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरी हृदय से समर्थन किया था। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, वो था एस एन सेन। 75 है, मंगल पांडे कहाँ के विल्लप से जुड़े थे, वैकरपुर। मंगल पांडे के क्षेत्र से थे, वैकरपुर से। लास्ट है, इनमें कौन सा है इलाहाबाद में 1857 का संग्राम का नेता था, तो मौलवी लियाकत अली था। तो इसको भी याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। 1857 के विद्रोह में जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको इसमें वीडियो में दे दिया था, इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इसको आप याद करेंगे, इसको एक दो बार वीडियो देखकर आप पूरी तरह से आप इसको याद हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतने तक।